एग्जाम्पल लेते हैं तो जो मेरे पास यहाँ एग्जाम्पल है डी स्क्वायर माइनस फोर डी डी डैश प्लस फोर डी डैश स्क्वायर माइनस डी प्लस टू डी डैश इक्वल टू दिस जब ये एग्जाम में क्वेश्चन लिखा आता है तो सबसे जो प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को वो यही नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये होमोजीनियस पर अप्लाई करें या नॉन होमोजीनियस पर अप्लाई करें क्योंकि क्वेश्चन में सिंपल ये लिखा आएगा सॉल्व दिस और ये हमारा लास्ट टू थाउजेंड थर्टीन का आया ही क्वेश्चन है तो देखिए सबसे पहले हमें देखना है क्योंकि होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है सेकेंड ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डर चेंज हो गया तो ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन है नॉन होमोजीनियस का और नॉन होमोजीनियस में हमें सीएफ लिखने का तरीका अभी सिखाया था लास्ट लेक्चर में उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर इसका सीएफ लिखना है तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में आपको बताया कि आप पूरे क्वेश्चन को डी और डी डैश में कन्वर्ट करेंगे यहां हमें नहीं करना ऑलरेडी गिवन है उसी फॉर्म में हमें गिवन है हमें क्या करना है नॉन होमोजीनियस का सॉल्यूशन लेना है राइट हैंड साइड भी एग्जिस्ट करती है तो इस जो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो होगा सी एफ प्लस पी आई ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा मीनिंग सॉल्यूशन के दो पार्ट है सी एफ और पी आई सबसे पहले हमें इसका सी एफ निकालना है तो सी एफ के कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं फॉर सी एफ तो जब भी हम सी एफ निकालते हैं राइट हैंड साइड को हम जीरो बना लेते हैं तो सीएफ के लिए हमने इक्वेशन लिख ली डी स्क्वायर माइनस का फोर डी डी डैश प्लस का फोर डी डैश स्क्वायर माइनस का डी प्लस टू डी डैश इन टू जेड दिस इज इक्वल टू जीरो राइट हैंड साइड जीरो बना ली जब राइट हैंड साइड जीरो बना ली अब इसका सी एफ लेना है लेकिन नॉन होमोजीनियस के अकॉर्डिंग जिसका स्टेप बताया था कि ये जो इक्वेशन बनकर आई है इसके फैक्टर करिए फैक्टर पॉसिबल है फैक्टर करिए अगर फैक्टर पॉसिबल ना हो तो लिखने का तरीका सीएफ लिखने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है तो देखिए यहां पर फैक्टर पॉसिबल है तो हम यहां पर फैक्टर करते हैं ये जो आपके पास टर्म है इस टर्म को आप लिख सकते हैं d माइनस टू डी डैश का होल स्क्वायर यहां से माइनस वन कॉमन ले लीजिए d माइनस टू डी डैश इंटू जेड दिस इज इक्वल्स टू जीरो अब इस पूरे फैक्टर से d माइनस टू डी डैश ये फैक्टर हम कॉमन निकाल सकते हैं तो रिमेनिंग पार्ट क्या रह गया d माइनस टू डी डैश माइनस का वन इंटू जैड दिस इज इक्वल्स टू जीरो ये वैल्यू आ गई अब इसके आगे चलते हैं कि अब देखिए ये आपके पास लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो गया तो सी एफ लिखते हैं दो फैक्टर हैं दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग अलग अलग लिखते हैं सो सी एफ कॉरेस्पॉन्डिंग टू d माइनस टू डी डैश इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आ गया कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है ई रेस्ट टू द पावर जीरो इंटू एक्स फर्स्ट फंक्शन लिया एफ वन डी के कॉरेस्पॉन्डिंग y माइनस है तो प्लस इंटू टू एक्स अब नेक्स्ट लिखते हैं सी एफ कॉरेस्पॉन्डिंग टू नेक्स्ट फैक्टर है d माइनस टू डी डैश माइनस वन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ई रेस्ट टू द पावर माइनस साइन लगाया कॉन्स्टेंट टर्म इज माइनस वन इंटू एक्स सेकेंड फंक्शन ले लीजिए एफ टू माइनस वन को हाइड कर दीजिए रह गया डी माइनस टू डी डैश तो डी माइनस टू डी डैश के कॉरेस्पॉन्डिंग आ गया वाई प्लस टू एक्स तो कंप्लीट सी एफ इसका क्या हो गया सी एफ की वैल्यू आ गई एफ वन वाई प्लस टू एक्स प्लस ई रेस टू दी पावर एक्स एफ टू वाई प्लस टू एक्स ये वैल्यू आ गई सी एफ अब नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं सोल्यूशन का नेक्स्ट पार्ट है पी आई तो फॉर पी आई हम यहां पर हम फॉर्मूला लेते हैं इक्वल्स टू वन अपॉन अब डी ऑपरेटर में जो भी इक्वेशन है वो इक्वेशन हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं हमारे पास इक्वेशन है डी स्क्वायर माइनस फोर डी डी डैश प्लस डी डैश माइनस का डी प्लस टू डी डैश और राइट हैंड साइड जो हमें फंक्शन है क्वेश्चन पर आता है ई रेस्ट टू दावर थ्री एक्स प्लस फोर वाई टू थ्री एक्स प्लस फोर वाई अब फर्स्ट केस है एक्स का कोफिशेंट थ्री तो हम क्या करेंगे d को रिप्लेस करेंगे x का कोफिशियंट थ्री से और d डैश को रिप्लेस करेंगे y का कोफिशियंट है फोर मीनिंग फोर से तो रिप्लेसमेंट लेते हैं वन अपॉन डी स्क्वायर मीनिंग नाइन माइनस फोर इंटू डी थ्री इंटू फोर प्लस फोर डी डैश स्क्वायर मीनिंग सिक्सटीन माइनस डी मीनिंग थ्री एंड प्लस का टू इन डी डैश ये आ गया फोर ई रेस्ट टू पावर थ्री एक्स प्लस फोर वाई सिंप्लीफाई कर लेते हैं वन अपॉन नाइन माइनस और ये हो गया फोर इंटू थ्री ट्वेल्व फोर्टी एट प्लस माइनस सिक्सटी फोर माइनस का ट्वेंटी फोर नहीं सॉरी माइनस का थ्री प्लस का एट ई रेस्ट टू दी पावर थ्री एक्स प्लस फोर वाई अब हमें इसे करना है सिम्प्लीफाई सो सिंप्लीफाई करके ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ये हो गया वन अपॉन नाइन प्लस सिक्सटी फोर और प्लस का एट एटी वन माइनस फोर्टी एट माइनस थ्री दिस इज फिफ्टी वन और e रेस टू दावर थ्री एक्स प्लस फोर वाई तो सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया वन अपॉन थर्टी ये आ गया दिस इज इक्वल्स टू e रेस टू दावर थ्री एक्स प्लस फोर वाई तो अब हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे हमारे पास फाइनल आंसर क्या होगा सी एफ प्लस पी आई तो हम इसका फाइनल आंसर दे सकते हैं सो so, जैड ये फाइनल आंसर दिस सी एफ प्लस पी आई तो फाइनल आंसर दोनों को ऐड करके आप इजीली दे सकते हैं तो इस तरीके से जहां पर एक्सपोनेंशियल का केस है आप उस तरीके से काम करेंगे जैसे आप प्रीवियस भी करते आए हैं केस में कोई डिफरेंस नहीं है उसी तरीके से क्वेश्चन को सिम्पलीफाई भी करना है नाउ नेक्स्ट केस हम लेते हैं पी आई का वेयर राइट हैंड साइड इज ए फंक्शन ऑफ साइन और कॉस साइन में हो या कॉस में हो तब हम काम कैसे करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर जो हम नोटेशन देते हैं नोटेशन आगे हमारे पास पी आई दिस इज इक्वल्स टू वन अपॉन फाइव ऑपरेटर में लिखते हैं डी डी डैश में लिखते हैं, लेकिन नोटेशन आप जिससे याद रख सके इसलिए यहाँ पर हम जो नोटेशन दे रहे हैं ये नोटेशन है मेरे पास डी स्क्वायर डी डी डैश एंड डी डैश स्क्वायर राइट हैंड साइड साइन और कॉस तो मैंने यहाँ पर साइन एज्यूम कर लिया कि यहाँ साइन लिया अब नोटेशन क्या कहता है कि डी स्क्वायर का रिप्लेसमेंट होगा डी डी डैश का रिप्लेसमेंट होगा और डी डैश स्क्वायर का रिप्लेसमेंट होगा बट किससे होगा तो जहां पर भी डी स्क्वायर है उसे आप रिप्लेस करेंगे माइनस साइन लगाइए एक्स का कोफिशियंट देखिए क्या रखा है ए तो ए का स्क्वायर इसके बाद आता है डी डैश स्क्वायर इसका रिप्लेसमेंट फिर से माइनस साइन अप्लाई करिए वाई का कोफिशियंट देखिए बी तो बी का स्क्वायर कर दीजिए बी स्क्वायर अब आती है बात डी डी डैश की तो डी डी डैश का हम रिप्लेसमेंट लेंगे माइनस साइन अप्लाई किया डी मीनिंग x का कोफिशियंट है a y का कोफिशियंट b सो माइनस ए बी से रिप्लेस कर दें तो जैसे ही आप इसमें रिप्लेस करेंगे आपको अपना आंसर मिलेगा फाइव डी स्क्वायर इज माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस का बी स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी ये आपके पास वैल्यू आएगी प्रोवाइडेड कि ये जो टर्म है वो जीरो नहीं होनी चाहिए अगर जीरो है तो सिमिलर वही केस हम अप्लाई करते हैं एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिफ्रेंशिएशन याद रखें साइन और कॉस में हमेशा रिप्लेसमेंट डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर या डी डी डैश होगा अगर हमारे पास यहां पर कभी डी स्क्वायर ना बने या डी डैश स्क्वायर ना बने या डी डी डैश की टर्म ना आए तब हम उसे बनाएंगे कैसे बनाते हैं होमोजीनस में भी सीखा था रैशनलाइज करके बनाते हैं तो सेम प्रोसीजर है कि अगर जरूरत पड़ी तो रैशनलाइज भी करेंगे लेकिन रिप्लेसमेंट डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर और डी डी डैश का होगा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक एग्जाम्पल लेती हूँ 2019 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी रिसेंट का क्वेश्चन है क्वेश्चन था सॉल्व दिस और इस क्वेश्चन का वेटेस्ट था एग्जाम में टेन मार्क्स ये टेन मार्क्स में क्वेश्चन आया है तो यहां पर है सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन अब डिफरेंशियल इक्वेशन को आइडेंटिफाई किया कि होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस तो ये नॉन होमोजीनियस है देखिए यहां कॉन्स्टेंट टर्म प्रेजेंट है नॉन होमोजीनियस है तो सबसे पहले नॉन होमोजीनियस के कॉरेस्पॉन्डिंग सी एफ लिखेंगे क्वेश्चन को ऑलरेडी फैक्टर फॉर्म में गिवन है इसलिए हम डायरेक्टली इसका सी एफ लिख सकते हैं तो हमने कहा सी एफ कॉरेस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट फैक्टर हमने ले लिया डी प्लस वन इस फैक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग सी एफ क्या होगा ई रेस टू दी पावर माइनस साइन अप्लाई किया वन इन टू एक्स फंक्शन एफ वन वन को हाइड कर लीजिए क्या रह जाएगा ओनली डी सो फंक्शन ऑफ वाई सी एफ कॉरेस्पॉन्डिंग टू सेकेंड फैक्टर डी प्लस डी डैश माइनस वन ई रेस टू दावर माइनस साइन कांस्टेंट माइनस वन इन टू एक्स सेकेंड फंक्शन लिया एफ टू अब यहां देखिए माइनस वन को हाइड कर दे तो डी प्लस डी डैश पढ़ेंगे तो डी के कॉरस्पॉन्डिंग वाई प्लस के कॉरेस्पॉन्डिंग माइनस डी डैश के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स तो ये आ गया एफ टू वाई माइनस एक्स सो कंप्लीट सी एफ हमारे पास बन जाता है हमने दोनों को एड किया e रेस टू दी पावर माइनस एक्स एफ वन वाई प्लस ई रेस टू दावर एक्स एफ टू वाई माइनस एक्स सी एफ का पार्ट कंप्लीट अब सॉल्यूशन का सेकेंड पार्ट चलते हैं सॉल्यूशन में सेकेंड पार्ट में है साइन साइन और कॉस है तो याद रखिए डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर डी डी डैश का ही रिप्लेसमेंट है और किसी का रिप्लेसमेंट यहाँ नहीं होगा तो पी आई के केस पर मूव करते हैं पी आई इक्वल्स टू वन अपॉन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें दिया गया है इस इक्वेशन को लिखते हैं दिस इज डी प्लस वन डी प्लस डी डैश माइनस वन एंड राइट हैंड साइड फंक्शन साइन टू एक्स प्लस थ्री वाई अब यहां रिप्लेसमेंट डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे चाहिए डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर डी डी डैश इसके लिए मुझे दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करनी होगी तो इन दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो देखिए डी स्क्वायर यह आ गया आपके पास डी इन डी डैश एंड दिस इज माइनस डी वन से मल्टीप्लाई किया प्लस का डी प्लस का डी डैश और माइनस का वन और राइट हैंड साइड फंक्शन साइन टू एक्स प्लस थ्री वाई टी से तो डी कैंसिल हो गया तो फाइनल इक्वेशन जो मेरे पास बनती है ये इक्वेशन आ गई डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश प्लस का डी डैश और माइनस का वन ये फाइनल इक्वेशन है मेरे पास इन टू साइन टू एक्स प्लस थ्री वाई अब इस फाइनल इक्वेशन में देखिए रिप्लेसमेंट किसका पॉसिबल है ऑनली डी स्क्वायर या डी डी डैश का जो सेकेंड ऑर्डर है तो डी स्क्वायर को हम रिप्लेस करने जा रहे हैं माइनस साइन अप्लाई किया अब हमें x का कोफिशियंट देखना है टू मीनिंग टू का स्क्वायर रिप्लेसमेंट करेंगे हम माइनस फोर से नेक्स्ट टर्म है मेरे पास डी डी डैश डी डी डैश को रिप्लेस करेंगे माइनस साइन अप्लाई करेंगे ए बी एक्स का कोफिशन टू टू लिख लिया वाई का कोफिशियन थ्री थ्री लिख लिया तो ये आ गया माइनस सिक्स से रिप्लेसमेंट करने जा रहे हैं दोनों वैल्यू को अपने क्वेश्चन में पुट करते हैं सो डी स्क्वायर के प्लेस पर माइनस फोर माइनस सिक्स प्लस का डी डैश माइनस का वन इंटू साइन टू एक्स प्लस थ्री वाई तो जहाँ पर भी सेकेंड ऑर्डर था ओनली उसका रिप्लेसमेंट देंगे फर्स्ट ऑर्डर का रिप्लेसमेंट या नहीं होगा तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं माइनस टेन माइनस इलेवन तो ये आपके पास बन जाता है वन अपॉन डी डैश माइनस इलेवन साइन टू एक्स प्लस थ्री वाई ये वैल्यू आपके पास आ गई देखिए बार बार यही कह रहे हैं सेकेंड ऑर्डर से रिप्लेसमेंट स्टार्ट होते हैं अब मेरे पास ये डी डैश है फर्स्ट ऑर्डर है सेकेंड ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए आप मुझे इस स्टेप पर इसको रैशनलाइज करना होगा तो रैशनलाइज करने के लिए इसके अपोजिट साइन से फैक्टर बनाए और उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें तो ये आपके पास बन जाएगा डी डैश प्लस इलेवन अपॉन डी डैश माइनस इलेवन एंड डी डैश प्लस इलेवन इंटू साइन

का कोफिशेंट थ्री सो थ्री का स्क्वायर किया नाइन तो डी डैश की वैल्यू माइनस नाइन आएगी तो रिप्लेसमेंट अपी डॉन माइनस का नाइन माइनस का देखा कि यहाँ तक सिंप्लीफाई करके ये आ गया माइनस का वन थर्टी और ऊपर ऑपरेटर है गया डी डैश प्लस इलेवन इंटू साइन टू एक्स प्लस थ्री वाई ये वैल्यू गई. अब ऑपरेटर यहाँ न्यूमरेटर में बचा है, तो इस फंक्शन को इस ऑपरेटर पर ऑपरेट करते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं माइनस का वन अपॉन वन थर्टी डी डैश ऑफ किसका साइन टू एक्स प्लस थ्री वाई का वन के साथ ये आ गया इलेवन साइन टू एक्स प्लस थ्री वाई अब डी डैश का मीनिंग क्या है डी डैश का मीनिंग है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई तो हम इसे लिख देते हैं मतलब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू तो वाई किसका साइन का और आंसर लिख लीजिए तो करते हैं डिफ्रेंशिएशन सो so, साइन का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव आता है मेरे पास कॉस दिस इज कॉस टू एक्स प्लस थ्री वाई लेकिन विद रिस्पेक्ट टू तो वाई है तो टू एक्स प्लस थ्री वाई का डेरिवेटिव आ गया इन टू थ्री प्लस इलेवन साइन टू एक्स प्लस थ्री वाई ये मेरे पास आ गई पी आगे की वैल्यू फाइनल वैल्यू ऑफ पी तो आंसर आप लिखेंगे जार्ड इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई ये होगा इसका कंप्लीट आंसर आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा समझ में आ गया होगा अब इसी क्वेश्चन के सिमिलर एक क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं और ये क्वेश्चन भी इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है तो क्वेश्चन है जिसे आप ट्राई करिएगा क्वेश्चन है यहाँ पर d माइनस का d डैश माइनस का वन सेकेंड फैक्टर है d माइनस का d डैश माइनस का टू इंटू जेड और राइट एंड साइड फंक्शन है साइन टू एक्स प्लस थ्री वाई इस क्वेश्चन को ट्राई करेगा बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो बाकी के केस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं तो इस लेक्चर में हमने दो केस डिस्कस किए हैं एक एक्सपोनेंशियल एक, लिया है दूसरा हमने साइन एंड कॉस लिया है थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज हम नेक्स्ट uh, लेक्चर ले रहे हैं लेक्चर नंबर थर्टीन ये लेक्चर नंबर ट्वेल्व का कॉन्टीन्यूशन का ही पार्ट है लेक्चर नंबर ट्वेल्व में हमने पी निकालना सीखा था पर्टिकुलर इंटीग्रल नॉन होमोजीनियस का जिसमें हमने दो केस कंसिडर किए थे फर्स्ट केस था हमारा e रेस टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई ये केस हम कंसिडर कर चुके हैं और फर्स्ट केस और सेकंड केस हमने जो पढ़ा था ये हमने पढ़ा था साइन ए एक्स प्लस या कॉस ए एक्स प्लस बी वाई ये दो केस हमने उस लेक्चर में डिस्कस किए थे ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा आज इस लेक्चर में हम इसके आगे के नेक्स्ट केसेस लेने जा रहे हैं पावर right एन e तो ये केस उसी तरीके से जैसे हमने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा था पोलिनोम का केस या फिर हमने होमोजीनियस में पढ़ा सेम हम नॉन होमोजीनियस में भी करेंगे और या दोगा जब इस तरह के केस होते हैं तो हम जो हमारे पास यहाँ फाइव डी डी डैश जो भी यहाँ रखा है उसे हम कोशिश करते हैं कुछ ऐसे टर्म कॉमन निकालते हैं कि हमारे पास वन प्लस माइनस समथिंग कि डी ऑपरेटर में बने और इनवर्स मीनिंग एक बायोनॉमल एक्सप्रेशन हम यहाँ पर अप्लाई कर सकें तो जब भी एक्स की पावर एम वाई की पावर एन का क्वेश्चन आता है तो हम बायोनॉमेल लगाने की कोशिश करते हैं एक्सपेंशन बनाने की कोशिश करते हैं और इसी की हेल्प से हम ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो जब हम एक्सपेंशन बनाते हैं तो होमोजीनियस में भी याद होगा कि ये जो एक्सपेंशन है या तो हम इसे डी डैश अपॉन्ट डी के फॉर्म में बना लेते हैं लेकिन हम जब बनाएंगे जब एक्स की पावर वाई की पावर से बड़ी हो डी डैश अपॉन्ट डी में असेंडिंग पावर्स में लेते हैं या फिर हम डी अपॉन्ट डी डैश में बनाते हैं अगर वाई की पावर बड़ी हो और या फिर हम डी या डी डैश में बनाते हैं बट अगर किसी यहाँ पर जो हम नॉन होमोजीनियस पढ़ रहे हैं और अगर हमारे पास जो फैक्टर्स आते हैं लीनियर फैक्टर में अगर हमारे पास क्वेश्चन है और लीनियर फैक्टर में अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट टर्म उस फैक्टर में अगर प्रेजेंट है सेपरेटली प्रेजेंट है तो पहली प्रेफरेंस हम कांस्टेंट टर्म को देते हैं और कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालते हैं तो इसके बेस पर एक क्वेश्चन करते हैं वो चीज क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से कॉमन निकालना है इसका हमने एक क्वेश्चन लिया सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन डी डी प्लस डी डैश माइनस वन डी प्लस थ्री डी डैश माइनस टू जार्ड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई प्लस टू वाई स्क्वायर तो इस लेक्चर में भी मैं वही क्वेश्चन दिखा रही हूँ आपको करा रही हूँ जो हमारे रिसेंटली अभी पूछे गए हैं क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में भी हमने 2019 का एक क्वेश्चन लिया था वो भी नॉन होमोजीनियस का पूछा गया था और 2020 में भी ये जो क्वेश्चन आया है ये भी नॉन होमोजीनियस का आया है लास्ट ईयर जो केस आया वो एक्स रेस टू दी पावर n वाई रेस टू पावर एन पर आया और लास्ट टू तो लास्ट जो हमारा नॉन होमोजीनियस का केस आया था वो साइन या कॉस्ट पर डिपेंड था तो ये अभी 2020 का क्वेश्चन है रिसेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का वेटेज जो एग्जाम में था ये हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन था तो देखिए ऑलरेडी क्वेश्चन को फैक्टर फॉर्म में उसने दिया है तो हमें तो डायरेक्टली यहाँ पे फैक्टर फॉर्म के अकॉर्डिंग सीएफ लिखना है तो हम सेपरेटली ईच एंड एवरी फैक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग सी लिखते हैं तो सबसे पहले हमने ले लिया सी एफ टू डी तो डी के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम देखें कोई कॉन्स्टेंट हम नहीं है ई रेस्ट टू दी पावर जीरो एक्स फंक्शन ऑफ डी लिखा है नेक्स्ट फैक्टर लेते हैं सो सी एफ कॉरेस्पॉन्डिंग टू नेक्स्ट फैक्टर डी प्लस डी डैश माइनस वन के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्स्टेंट अब माइनस वन प्रेजेंट है ई रेस टू दी पावर माइनस माइनस वन इन टू एक्स सेकेंड फंक्शन एफ टू माइनस वन को हाइड कर लो तो डी प्लस डी डैश पढ़ोगे तो d के प्लेस पर y प्लस के प्लेस पर माइनस डी डैश के प्लेस पर x ये बन गया मेरे पास सेकेंड सीएफ अब नेक्स्ट फैक्टर की कॉरेस्पॉन्डिंग सीएफ लिखते हैं नेक्स्ट फैक्टर है d प्लस थ्री डी डैश माइनस का टू यहां पर कांस्टेंट अब माइनस टू है तो सबसे पहले e रेस्ट टू दी पावर माइनस अप्लाई किया माइनस टू इन टू एक्स थर्ड फंक्शन हमने कंसिडर किया माइनस टू को हाइड कर लीजिए माइनस टू को आप जैसे ही हाइड करेंगे तो डी प्लस थ्री डी डैश पढ़ेंगे तो डी के कॉरेस्पॉन्डिंग आपने ले लिया वाई और प्लस का माइनस थ्री एक्स तो कंप्लीट सी एफ जब आप लिख रहे हैं तो सी एफ की वैल्यू आ गई सारा सी एफ एड कर दीजिए एफ वन वाई प्लस ई रेस्ट टू दावर एक्स एफ टू वाई माइनस एक्स एंड प्लस ई रेस्ट टू दावर टू एक्स एफ थ्री वाई माइनस थ्री एक्स ये मेरे पास बनता है सीएफ का पार्ट अब हम हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन में वो है पीआई का पार्ट जिसे बहुत ध्यान से समझना है कि जब इस तरह के केसेस आए तो हम पीआई किस तरीके से निकालें तो पीआई के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मुला लिखते हैं सो पी इक्वल्स टू वन अपॉन हमें जो क्वेश्चन डी में दिया है एज इट इज लिख लेते हैं डी डी प्लस डी डैश माइनस वन एंड डी प्लस थ्री डी डैश माइनस का टू ये लिख लिया और राइट हैंड साइड हमारा पूरा एक साथ हमने पूरी पॉलिनामें ले ली एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई प्लस का टू वाई स्क्वायर ये ले लिया अब देखिए हमें यहां से कुछ कॉमन निकालना है तो ये डी तो एज इट इज रख रही हूं इन दोनों फैक्टर में कॉन्स्टेंट टर्म प्रेजेंट है तो मेरी प्रेफरेंस होगी कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर निकालना तो फर्स्ट फैक्टर यहां से माइनस वन बाहर यहां से माइनस टू बाहर तो टोटल कितना बाहर आ गया टू बाहर आ गया तो ये आपके पास बन गया वन अपॉन टू डी अब मैंने कहा यहां से माइनस वन बाहर है तो माइनस वन की कॉरेस्पॉन्डिंग तो बन गया वन माइनस वन बाहर आते ये बन गया वन माइनस का डी प्लस डी डैश ये फैक्टर इसमें कन्वर्ट हो गया सेकेंड फैक्टर से मैंने माइनस टू को बाहर लिया तो माइनस टू के कॉरेस्पॉन्डिंग तो बन गया वन और ये पूरा का पूरा माइनस टू से डिवाइड हो गया तो माइनस साइन डी प्लस थ्री डी डैश अपॉन टू ये फैक्टर हमारे पास बन जाते हैं और ये राइट हैंड है एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स प्लस का टू वाई स्क्वायर ये वैल्यू आ गई दोनों फैक्टर को ऊपर ट्रांसफर करिए तो दिस इज इक्वल्स तो टू वन अपॉन टू डी ये आपके पास बन गया वन माइनस का डी प्लस का डी डैश का इनवर्स और सेकेंड फैक्टर वन माइनस का डी प्लस थ्री डी डैश अपॉन टू इसका इनवर्स एंड एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स वाई प्लस का टू वाई स्क्वायर यहां तक आ गए अब हमारे पास बायनोमेल एक्सपेंशन के लिए दो एक्सपेंशन है वन माइनस एक्स इनवर्स तो यहाँ जो बायनोमल एक्सपेंशन लगेगा ये लगेगा वन माइनस एक्स का इनवर्स तो वन माइनस एक्स का इनवर्स हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं ये है वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन तो यहां एक्स का रोल क्या प्ले कर रहा है डी प्लस डी डैश तो पहले इसे ओपन करते हैं तो वन अपॉन टू डी ये आपके पास आ गया हमने इसे ओपन किया वन प्लस डी प्लस डी डैश प्लस आगे आएगा डी प्लस डी डैश का स्क्वायर तो मैं डायरेक्टली स्क्वायर ओपन कर रही हूँ डी स्क्वायर प्लस डी डैश का स्क्वायर प्लस टू डी डी डैश अप टू सो ऑन सेकेंड एक्सपेंशन को भी ओपन कर लेते हैं सेकेंड एक्सपेंशन वन माइनस एक्स इस पूरे को एक्स मान रहे तो ये बना वन प्लस एक्स की वैल्यू दिस तो इसे सेपरेट करके लिख रही हूं डी बाय टू थ्री डी डैश बाय टू नेक्स्ट आएगी इसका होल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर ओपन करके लिख रहा है सो डी स्क्वायर बाय फोर प्लस नाइन डी डैश स्क्वायर बाय फोर प्लस या सिक्स डी डी डैश सिक्स डी डी डैश अपॉन फोर अप टू सो ऑन और राइट हेंड साइड मेरे पास फंक्शन बचा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स वाई प्लस का टू वाई स्क्वायर अब देखिये मैंने दोनों एक्सपेंशन ओपन कर दिए अब इन दोनों एक्सपेंशन से हमें वो टर्म्स कलेक्ट करनी है जहां से हमें आंसर मिल सकता है इस आंसर को देखने के लिए इस पॉलिनोमल को देखिए ये एक्स स्क्वायर है इसका दो बार डेरिवेटिव पॉसिबल है x के रेस्पेक्ट में इसका दो बार डेरिवेटिव पॉसिबल है y के रेस्पेक्ट में तो मैं पूरे एक्सपेंशन से डी स्क्वायर कलेक्ट करूंगी d डैश स्क्वायर कलेक्ट करूंगी और ये रखा है एक्स फाइव मतलब d d डैश की टर्म कलेक्ट करूंगी तो अगर मैं इन दोनों को ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करूं तो मैं इन दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करके सिर्फ वही टर्म लूंगी जिसमें d आता हो d डैश आता हो d डैश स्क्वायर आता हो d स्क्वायर आता हो और d d डैश आता हो इसके हायर ऑर्डर की कोई भी टर्म हम यहां नहीं ले रहे तो बस हमें जो ध्यान से करना है वो इन दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई को ध्यान से करना है तो मल्टीप्लाई करना सिखाती हूँ वन अपॉन टू डी सबसे पहले मैं इस वन की मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट में कर रही हूं तो वन की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट में करूँ तो ये एज इट इज आएगा तो देखिए मैं वही लिख रही हूँ वन प्लस डी बाय टू थोड़ा सा स्पेस छोड़कर लिखते जाएंगे प्लस थ्री डी डैश बाय टू फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखते जाइए क्योंकि मुझे इसमें ही टर्म्स को ऐड करना है डी स्क्वायर बाय फोर प्लस नाइन डी डैश स्क्वायर बाय फोर प्लस और ये सिक्स बाय फोर है तो मैं इसको लिख रही हूं थ्री बाय टू डी डी डैश समथिंग दिस और इन टू एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स वाई प्लस का टू वाई स्क्वायर देखिये मैंने अभी कुछ नहीं किया मैंने सिर्फ वन से मल्टीप्लाई करके सारे टर्म्स लिख दिए हैं कुछ कुछ स्पेस छोड़ दिया है वन से हो गई मल्टीप्लाई डी पर चलिए डी से मल्टीप्लाई करते हैं तो डी से मल्टीप्लाई वन में करोगे क्या मिलेगा डी यहां लिख दिया एक साथ ऐड कर देंगे अब डी की मल्टीप्लाई डी बाई टू में करोगे क्या मिलेगा डी स्क्वायर बाय टू तो इसे डी स्क्वायर बाई टू की टर्म में लिख देती हूँ डी स्क्वायर बाय टू अब डी की मल्टीप्लाई डी डैश में करोगे तो क्या मिलेगा डी इन टू डी डैश तो डी डी डैश की टर्म में लिख देते हैं कितना मिल रहा है प्लस का थ्री बाय टू डी डी डैश अब डी की मल्टीप्लाई किस में कर रहे हो डी स्क्वायर में डी क्यूब मिलेगा नॉट रिक्वायर्ड d की मल्टीप्लाई डी डैश स्क्वायर में ये भी जरूरत नहीं है और d की मल्टीप्लाई डी डी डैश में करें यहाँ से भी कोई आंसर छोड़ देते हैं अब नेक्स्ट आते हैं d डैश पर अब d डैश की मल्टीप्लाई वन में करो तो d डैश मिला चाहिए ऐड कर देते हैं d डैश वाले ब्रैकेट में अब d डैश की मल्टीप्लाई d में करा तो मिल गया d डैश इंटू डी तो d डैश इंटू डी ये रहा तो ये वैल्यू मिलती है प्लस का वन बाय टू डी डी डैश अब डी डैश की मल्टीप्लाई आप किस में कर रहे हो डी डैश में करोगे तो डी डैश स्क्वायर मिलेगा कितना थ्री बाय टू डी डैश स्क्वायर तो यहाँ लिख देते हैं थ्री बाय टू डी डैश स्क्वायर अब डी डैश की मल्टीप्लाई डी स्क्वायर में करो नहीं मिलता आंसर ये भी नहीं रिक्वायर्ड और ये भी नहीं रिक्वायर्ड छोड़ देते हैं अब डी स्क्वायर की मल्टीप्लाई वन में करते हैं तो क्या मिलेगा डी स्क्वायर तो डी स्क्वायर के टर्म में ऐड कर दिया यहां पर आ गए अब डी स्क्वायर की मल्टीप्लाई डी में करो डी क्यूब मिलेगा नहीं थर्ड ऑर्डर नहीं चाहिए आगे चले थर्ड ऑर्डर मिलेगा नहीं चाहिए अब डी डैश स्क्वायर की मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो डी डैश स्क्वायर मिलेगा ऐड कर देते हैं यहां पर डी डैश स्क्वायर में अब डी डैश स्क्वायर की मल्टीप्लाई डी में करोगे फिर थर्ड ऑर्डर बनेगा यहां से हमें आंसर नहीं मिलेगा यहां से नहीं मिलेगा आगे जाओगे नहीं मिलेगा ओनली वन की मल्टीप्लाई से मिल रहा है अब टू डी डी डैश पे है टू डी डी डैश पे वन की मल्टीप्लाई तो वैल्यू बनेगी टू डी डी डैश आगे चलेंगे क्या मिलेगा टू डी स्क्वायर डी डैश रिक्वायर्ड ही नहीं है छोड़ देते हैं आगे की सारे टर्म ये बन गई टर्म आपके पास बस अभी इसे ऐड करके लिखना है तो वैल्यू क्या बन गई वन अपॉन टू डी वन प्लस टी बाय टू प्लस डी क्या वैल्यू लिख सकते हैं डी बाय टू प्लस डी दिस इज थ्री डी बाय टू ये वैल्यू आ गई नेक्स्ट है थ्री डी डैश बाय टू और प्लस डी डैश ये वैल्यू क्या बनेगी ये आपके पास बन गया थ्री प्लस टू मीनिंग फाइव डी डैश बाय टू ये ब्रैकेट ऐड हो गया आगे डी स्क्वायर का ब्रैकेट ऐड करते हैं तो यहाँ पे अगर मैं इसका फोर एलसीएम ले लूं तो ये मेरे पास बनेगा फोर प्लस टू सिक्स प्लस वन मीनिंग यहां पर बन जाता है आपके पास सेवन डी स्क्वायर बाय फोर नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट मेरे पास है नाइन बाय फोर थ्री बाय टू और ये आ गया डी डैश स्क्वायर फिर से फोर एलसीम ले लें तो ये फोर एलसीम लेने के बाद बनेगा नाइन प्लस सिक्स फिफ्टीन और प्लस फोर नेक्स्ट ऐड करते हैं डी डी डैश की टर्म्स को तो थ्री बाय टू थ्री बाय टू ये आपके पास हो गया टोटल थ्री और प्लस हाफ ये हो गया और प्लस टू ये हो गया तो टोटल आपके पास ये जो टर्म आ गई थ्री प्लस थ्री सिक्स और सिक्स प्लस वन सेवन सेवन प्लस फोर इलेवन तो ये आ गया इलेवन बाय टू डी डी डैश ये टर्म आ गई एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स वाई प्लस टू वाई स्क्वायर यहां तक हम पहुंच गए अब क्या बचा है इसको अंदर मल्टीप्लाई करो अंदर ऑपरेट करो और डिफ़रेंशिएट करते चले जाओ तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन लेते हैं नेक्स्ट टर्म में तो यहां पर हमारे पास डिफ्रेंशिएशन बनता है तो फर्स्ट टर्म यहां पर देखते हैं ये आपके पास आ गया वन अपॉन टू डी वन की मल्टीप्लाई की ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स वाई प्लस का टू वाई स्क्वायर चलिए थ्री बाय टू अब पढ़िए डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर का टू एक्स और विद रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहा है तो कितना रह गया माइनस का फोर वाई प्लस फाइव बाय टू डी डैश मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स स्क्वायर का जीरो हो गया विद रेस्पेक्ट टू वाई किया तो ये बचा आपके पास माइनस का फोर एक्स विद रेस्पेक्ट टू वाई करो तो ये बन गया प्लस का फोर वाई आगे चलते हैं सेवन बाई सेवन बाय फोर डी स्क्वायर कहता है मतलब इसको दो बार डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू तो एक्स तो देखो एक बार जब डिफरेंशिएट किया तो यह आया जब इसी को विद रेस्पेक्ट टू तो एक्स दूसरी बार करेंगे तो वैल्यू कितनी रह जाएगी ओनली टू नेक्स्ट चलता है डी डैश स्क्वायर मतलब इसे डिफरेंशियट कर दो विद रिस्पेक्ट टू वाई टू टाइम्स तो जब हमने एक बार डिफरेंशियट किया तो ये बना था इसे अगेन विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दें तो वैल्यू क्या बन जाएगी ओनली फोर प्लस इलेवन बाय टू अब इलेवन बाय टू के साथ पढ़िए क्या लिखा डी डी डैश मतलब सबसे पहले इसको डिफरेंशियट कर दो विद रिस्पेक्ट टू वाई तो जब इसे विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो ये आंसर आएगा अब जो आंसर आया उसे डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्योंकि डी का मतलब है विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो क्या वैल्यू मिलेगी माइनस का फोर मिलेगा ये आपके पास सारा डेरिवेटिव आ गया बस अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई करते हैं हम इसे तो ये आपके पास बनता है वन अपॉन टू डी दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स वाई प्लस का टू वाई स्क्वायर दिस ये टू यहां से टू लेकर कॉमन कैंसिल कर सकते हैं तो थ्री एक्स माइनस टू वाई यहां से टू कॉमन निकाल लो टू कैंसिल कर दो दिस इज फाइव माइनस का टू एक्स प्लस टू वाई ये इसके पास वैल्यू आ गई सेवन बाय टू ये आपके पास वैल्यू रह गई प्लस नाइनटीन और ये टू यहां पर कैंसिल करके आप कर सकते हो आ, दिस इज माइनस का ट्वेंटी टू तो यहां से हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू बनेगी ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है वन अपॉइंट टू डी एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स वाई प्लस का टू वाई स्क्वायर एक्स की टर्म देखिए थ्री एक्स ये है और माइनस का टेन एक्स ये है तो ये आपके पास रह गया माइनस का सेवन एक्स वाई के टर्म देखिए माइनस का सिक्स वाई ये है और प्लस का टेन वाई ये है तो ये आपके पास आ गया प्लस का फोर वाई और ये सारी कांस्टेंट टर्म है इन सबको ऐड कर लो दिस इज वन बाय टू ये आपके पास वैल्यू आ गई अब देखिए क्वेश्चन यहां तक हो गया अब एक बाहर एक टर्म बची है टू डी तो जब आपने डी का मीनिंग पढ़ा था तो डी का मीनिंग पढ़ा था डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब ये डी न्यूमरेटर में रखा हो लेकिन अब आपके पास ये डी क्या है ये वन अपॉन में है तो जहां पर वन अपॉन डी आ जाए इसका मतलब हमें इसे इंटीग्रेट करना है बट किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन बचा है तो आंसर आप क्या लिखेंगे वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय थ्री माइनस का फोर फिर x का करिए इंटीग्रेशन y को कांस्टेंट रखते हुए एक्स स्क्वायर बाय टू इंटू वाई टू वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो गया क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये आपके पास आ गया इंटू एक्स माइनस का सेवन एक्स स्क्वायर बाई टू आगे चलता है प्लस का फोर वाई कॉन्स्टेंट इंटू एक्स वन बाय टू कॉन्स्टेंट प्लस का एक्स बाय टू दिस इज पी आई तो अब कंप्लीट आंसर कैसे लिखना है जार्ड इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई तो इस तरीके से आप अपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं तो ये हमारे पास कंप्लीट आंसर आ जाएगा सीएफ प्लस पी आई से तो आई थिंक ये मेथड आपको समझ आ गया होगा कि हमने इसके अंदर किस तरह से कॉमन निकाला और हम आगे इसमें कैसे काम करेंगे अब हम इसमें नेक्स्ट पी आई का मेथड लेते हैं केस नंबर फोर केस नंबर फोर हमारे पास है जब आपके पास राइट हैंड साइड फंक्शन रखा हो e रेस टू दावर ए एक्स प्लस बी वाई और b कोई भी फंक्शन हो सकता है कोई पर्टिकुलर नहीं कि कोई फंक्शन हो एनी फंक्शन बस इस फंक्शन के अंदर e रेज टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई होगा तो ये सिमिलर uh, केस है जो हमने सेकेंड सैम में पढ़ा था e रेज टू दावर ए एक्स इंटू वी का केस उसी तरीके से हम यहाँ पर पढ़ेंगे पी आई पी आई वन जो भी आपको डी और डी ऑपरेटर में फंक्शन दिया गया उसे लिख लीजिए और राइट हैंड साइड है ए एक्स प्लस बी वाई वी एक्स वाई ये फंक्शन है तो हम इस केस में क्या करते हैं हमारे पास ये जो e है हम इसे इस ऑपरेटर से बाहर निकालते हैं लेकिन ये जैसे ही ऑपरेटर से बाहर जाता है ये रिप्लेस करके जाएगा d और d डैश को बट किससे ये चला गया ऑपरेटर से बाहर और इस तरह से ब्रैकेट स्टार्ट करना दिस तो जैसे ये बाहर आएगा डी को रिप्लेस किससे कर देगा ये डी को रिप्लेस करेगा डी प्लस किससे एक्स का कोफिशियंट देखना है ए तो जहां पर डी है वहां आप लिखेंगे डी प्लस ए अब आता है डी डैश ये डी डैश को किससे रिप्लेस करेगा डी डैश प्लस अब वाई का कोफिशियंट देखना वाई का कोफिशियंट है बी तो ये आ गया d डैश प्लस बी अब ये तो बाहर चला गया अब जो रिमेनिंग फंक्शन है ये रह गया वी एक्स वाई तो ये जो ब्रैकेट में अब जो लिखा है हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी क्वेश्चन में तो ये किस पर डिपेंड करेगा ये डिपेंड करेगा v पर कि v कैसा है किस तरीके से हम वैल्यू निकालें अब हमने साइन कॉज का केस पढ़ लिया है एक्स की पावर एम वाई की पावर एम का केस जानते हैं या हो सकता है क्वेश्चन और भी सिंपल वे में कन्वर्ट हो जाए जैसे हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं एग्जाम्पल यहां पर हमने कंसिडर किया क्वेश्चन है सोल्व डी माइनस थ्री डी डैश माइनस टू का होल स्क्वायर इन टू जेड दिस इज इक्वल्स टू टू रेस्ट टू दावर टू एक्स टेन वाई प्लस थ्री एक्स ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है तो सबसे पहले हम इसका अगर सी एफ की बात करें तो ऑलरेडी लीनियर फैक्टर में गिव इन है बट लीनियर फैक्टर का स्क्वायर है तो हम इसका सी एफ डायरेक्टली लिख सकते हैं कॉन्स्टेंट टर्म माइनस टू सो ई रेस टू दी पावर माइनस ऑफ माइनस टू इन टू एक्स एफ वन माइनस टू को हाइड करने तो डी माइनस थ्री डी डैश रह गया ये रह गया वाई प्लस थ्री एक्स प्लस अब सेम फैक्टर का रिपीटेशन है एक्स से मल्टीप्लाई करते हुए सेम फंक्शन ले लिया ई रेस टू the टू एक्स यहाँ एफ वन लिया था नेक्स्ट फंक्शन एफ टू ले लो वाई प्लस थ्री एक्स तो ये आपके पास आ जाएगी सी एफ की वैल्यू अब हम आते हैं इसके पी आई के, के केस पर तो पी आई का केस आइडेंटिफाई करते हैं कि पी आई का कौन सा केस है सबसे पहले पी आई का फॉर्मुला लिखा वन अपॉन हमें दिया गया है डी माइनस थ्री डी डैश माइनस टू का होल स्क्वायर राइट हैंड साइड टू ई रेस दी पावर टू दावर टू एक्स टेन वाई प्लस थ्री एक्स ये क्वेश्चन हमें दिया है अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम देखें तो ये हमारे पास फॉर्मेट है ई रेस टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई इन टू वी क्वेश्चन हमारे पास है ई रेस्ट टू दी पावर टू एक्स और बी की जगह हमारे पास लिखा है टेन वाई प्लस थ्री एक्स ये लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग अगर मैं इसमें इसे कंपैरिजन करूं तो ए की वैल्यू जो मुझे मिलती है ये ए की वैल्यू मिलती है टू और बी की वैल्यू कुछ नहीं होगी क्योंकि यहाँ वाई प्रेजेंट नहीं है सो so बी की वैल्यू आपके पास आ जाती है जीरो तो जैसे ही अब हमारे पास ये क्वेश्चन जो बना वो केस नंबर फोर पर बनता है और केस नंबर फोर ये कहता है कि ये जो एक्सपोनेंशियल के टर्म है इसे ऑपरेटर से बाहर करना है लेकिन ये जैसे ही बाहर आएगा डी और डी डैश को रिप्लेस करेगा वो काम हम इसमें करते हैं तो हम क्या करते हैं टू ई रेस टू दी पावर टू एक्स को ऑपरेटर से बाहर करके ये हमने स्टार्ट किया ब्रैकेट तो ये जैसे बाहर आएगा डी को रिप्लेस करेगा किससे रिप्लेस करेगा डी प्लस ए मतलब से मतलब डी प्लस टू से और डी डैश को रिप्लेस करेगा डी डैश प्लस बी से और बी की वैल्यू ऑलरेडी जीरो है तो डी की जगह हम लिखते जाते हैं डी प्लस टू माइनस का थ्री डी डैश माइनस का टू होल स्क्वायर और ये रह गया अब आपके पास टेन वाई प्लस थ्री एक्स ये क्वेश्चन का इतना पार्ट अब आपके पास बचता है अब इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करने के लिए हमें इस फैक्टर को सिम्प्लीफाई करना होगा तो इस फैक्टर को सिम्प्लीफाई करने के लिए देखिए किस तरह से हम काम कर रहे हैं अब ये जो फैक्टर आपके पास आता है ये फैक्टर बन जाता है दिस इज इक्वल टू टाइस टू एक्स सो वन अपॉन टू से टू ये कैंसिल हो गया और ये फैक्टर बन गया डी माइनस का थ्री डी डैश का होल स्क्वायर टेन वाई प्लस थ्री एक्स क्वेश्चन यहां आ गया अब जब क्वेश्चन इस फॉर्म पर आ गया तो अब आप कहेंगे कि ये क्वेश्चन तो टेन का केस है ये कैसे सिम्प्लीफाई होगा टेन का केस तो टेन का केस सिंप्लीफाई करने के लिए अब आपको होमोजीनियस याद करिए होमोजीनियस में एक चीज हमने पढ़ी थी कि जो हमारे पास ये जो फैक्टर है ये होमोजीनियस फैक्टर है क्योंकि इसमें कोई कांस्टेंट टर्म या अलग से सेपरेटली प्रेजेंट नहीं है तो अगर ब्रैकेट के अंदर का हम देखें तो ये हमारे पास होमोजीनियस का क्वेश्चन है और होमोजीनियस का क्वेश्चन में एक फंक्शन पढ़ाया था फंक्शन क्या था कि अगर ये राइट हैंड साइड कोई भी फंक्शन रखा है ए एक्स प्लस बीवाई का एनी फंक्शन टेन हो लॉग हो अंडर रूट में हो कोई भी फंक्शन हो बस ए एक्स प्लस बीवाई का फंक्शन होना चाहिए तो उस केस में आप क्या करते हैं उस केस में आप डी को रिप्लेस करते हैं ए से डी डैश को रिप्लेस करते हैं आप बी से और जैसे ही ये रिप्लेसमेंट करते, है, करते हैं उतने ही टाइम्स इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई करते हैं और अगर आपने ये मेथड आपको याद नहीं है तो एक बार होमोजीनियस में ये जो मेथड है डिस्कस किया गया है उस मेथड का वीडियो जरूर देखिए तो यहां पर ये केस बनता है होमोजीनियस फाइव का मतलब यहां जो गिवन है वो है टेन वाई प्लस थ्री एक्स ये गिवन है तो अगर मैं इसमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो देखिए एक्स का कोफिशेंट थ्री है तो मतलब मुझे ए की वैल्यू मिलती है थ्री और बी की वैल्यू मिलती है वन तो यहां पर मैं रिप्लेस करती हूँ क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा टू ई रेस्ट टू दी पावर टू एक्स करिए रिप्लेस डी रिप्लेस बाय ए मीनिंग डी रिप्लेस बाय थ्री डी डैश रिप्लेस बाय बी और बी की वैल्यू है वन इन टू वन का होल स्क्वायर टेन वाई प्लस थ्री एक्स आप कहेंगे ये तो जीरो बन गया तो वन अपॉन जीरो मीनिंग केस फेलियर तो यहां हम लिख देते हैं यहां बनता है केस फेलियर और अगर ये केस फेलियर है तो काम करने का तरीका एक्स से मल्टीप्लाई एंड डिफ्रेंशियट तो से मल्टीप्लाई करते हैं सो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ई रेस टू दावर टू एक्स एक्स से मल्टीप्लाई करते हुए अब अगर आप x से मल्टीप्लाई लेते हैं तो डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में चलेगा इसका विद रेस्पेक्ट टू d। तो करिए यहां पर वन अपॉन होल स्क्वायर है ट्वाइस d माइनस थ्री डी डैश और d माइनस थ्री डी डैश में फिर d के रेस्पेक्ट में करो तो वन आएगा तो ये डेरिवेटिव आ गया इसका और अब क्वेश्चन रह रह गया 10, y plus 3X. ये गया ये फिर से देखिए फैक्टर होमोजीनियस है तो अगेन फाइव ए एक्स प्लस का ही केस है इसका मीनिंग d रिप्लेस बाय थ्री और d- डैश रिप्लेस बाय वन रखिए d की जगह थ्री और d- डैश की जगह वन थ्री माइनस थ्री जीरो अगेन केस फेलियर अगेन केस फेलियर बनता है तो जैसे ही केस फेलियर बना सेम प्रोसीजर फिर से अप्लाई किया सो ट्वाइस टू दावर टू एक्स एक्स से मल्टीप्लाई की तो अब हो गया ये एक्स स्क्वायर और अगेन डिफरेंशिएट फिर से इसे डिफ्रेंशिएट किया ट्वाइस डी के रिस्पेक्ट में डी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव रह गया वन इन टू टेन वाई प्लस थ्री एक्स तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया टू से टू ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास जो पी आई की वैल्यू फाइनल आती है ये पी आई की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर ई रेज टू दी पावर टू एक्स टेन वाई प्लस थ्री एक्स दिस इज पी आई और कंप्लीट आंसर क्या दे रहे हैं कंप्लीट आंसर हो जाएगा इसका सी एफ प्लस पी आई तो सी एफ हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं पी आई हमारे पास ये आ गया तो इस तरीके से हम इस केस को अप्लाई कर सकते हैं बट ध्यान रखिए कि अगर रिप्लेसमेंट करने के बाद ये फैक्टर लीनियर ये फैक्टर सॉरी होमोजीनियस बनता है और यह टेन रखा है तो होमोजीनियस का केस अप्लाई होगा फाइव ए एक्स प्लस बी वाई तो उसी तरीके से अप्लाई करते हुए हम इस क्वेश्चन को आगे तक हमने इसको प्रोसीड किया है आई थिंक ये केस क्लियर हो गया होगा और इस तरीके से हमारे पास नॉन होमोजीनियस में टोटल फोर केसेस हैं जो हमने यहां डिस्कस किए हैं केस नंबर फर्स्ट एक्सपोनेंशियल का केस था केस नंबर सेकंड हमारे पास साइन और कॉस का केस है साइन या कॉस ये सारे हमारे नॉन के केस हैं केस नंबर थर्ड हमारे पास है एक्स की पावर एम और वाई के पावर एन और केस नंबर फोर जो हमारे पास है नॉन होमोजेनियस में ये है ई रेस्ट टू दावर ए, ए एक्स प्लस बी वाई इंटू वी एक्स वाई तो टोटल नॉन होमोजेनियस के ये फोर केस है पी आई के और ये केस आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए आई थिंक क्वेश्चन देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि लास्ट टू ईयर से नॉन होमोजेनियस के क्वेश्चन एग्जाम्स में बार बार पूछे जा रहे हैं थैंक यू वेरी मच हेलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम लेने जा रहे हैं ये यूनिट वन का लास्ट टॉपिक है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशेंट अब आपने दो तरह के इक्वेशंस पढ़े यहाँ पर होमोजीनियस लीनियर पी डी ई विथ कॉन्स्टेंट कोफिशेंट और नॉन होमोजीनियस होमोजीनियस में जिसमें ईच एंड एवरी टर्म का ऑर्डर सेम हो और नॉन होमोजीनियस जहाँ पे ऑर्डर चेंज हो जाए वो नॉन होमोजीनियस और दोनों में सी एफ और पी आई निकालना सीखा अब है जो हमें पास कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हम या तो होमोजीनियस में कन्वर्ट कर पाएंगे या नॉन होमोजीनियस में कन्वर्ट कर पाएंगे लेकिन वो ऐसे कौन से इक्वेशन हैं जो कन्वर्ट हो सकते हैं तो उस इक्वेशन के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल कंसिडर किया इस एग्जाम्पल को ध्यान से देकर देखें तो शायद ये आपको सेकेंड सेमेस्टर की याद दिला दे कि वहां पर हम इस तरह के इक्वेशन पढ़ते थे यहां देखिए लिखा है डेल क्यूब जेड ओवर डेल एक्स क्यूब इसका मीनिंग जब ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसके साथ जो मल्टीप्लाई हुआ ये मल्टीप्लाई हुआ वेरिएबल एक्स क्यूब नेक्स्ट है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल एक्स डेल वाई इसके साथ इस डेरिवेटिव के साथ जो मल्टीप्लाई है वो है एक्स वाई अब यहाँ पर चलें तो डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर तो इसके साथ जो मल्टीप्लाई है वो वाई स्क्वायर की टर्म है डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स इसके साथ एक्स मल्टीप्लाई डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई तो इसके साथ वाई मल्टीप्लाई तो इसका मीनिंग कहने का ये है कि जो भी हमारे पास डेरिवेटिव जिस भी ऑर्डर का रखा है जैसे यहां सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव रखा है किसके रिस्पेक्ट में वाई के रिस्पेक्ट में रखा है तो वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा यहां सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई रखा है तो ये एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा यहां डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स थ्री टाइम्स रखा है तो एक्सक्यूब से मल्टीप्लाई है अगर कोई ऐसी इक्वेशन नजर आ जाए तो इन इक्वेशंस को आप कन्वर्ट कर सकते हैं विद कांस्टेंट कोफिश में ये कांस्टेंट कोफिशियंट नहीं है ये एक्स क्यूब वेरेबल है फोर एक्स वाई वारेबल है लेकिन ये इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशियंट में चेंज हो सकती है चेंज करने का क्या तरीका है हम यहाँ पर कुछ सब्सिट्यूशन लेके चलते हैं तो फर्स्ट स्टेप में आपको सब्सिट्यूशन बताती हूँ कि क्या लेके चल रहे हैं x के प्लेस पर हम पुट करेंगे e रेस टू दी पावर u मीनिंग पूरा का पूरा x वेरियबल u में कन्वर्ट होने जा रहा है तो u आप निकाल सकते हैं u इक्वल्स टू लॉग x जहां पर y है y को आप ले रहे हैं e रेस टू दी पावर v मीनिंग y वेरियबल v में कन्वर्ट होने जा रहा है तो v की वैल्यू है लॉग y अब देखिए जब भी हम इक्वेशन की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आता है डेलजेड अपॉन डेल एक्स

इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया 1/x अब इस x को क्रॉस ले जाइए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या लिखेंगे x डेल्ज़ड अपॉन डेल x इक्वल टू डेल्ज़ड अपॉन डेल u इसका मीनिंग इक्वेशन में जहां पर ये पूरा कॉम्बिनेशन एक साथ आ रहा हो x डेल्ज़ड अपॉन डेल x इस पूरे कॉम्बिनेशन को किससे रिप्लेस कर देना है इसे रिप्लेस कर देना है डेल्ज़ड अपॉन डेल u से तो पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन रिप्लेस हो गया डेल अपॉन डेल यू से अब सिमिलरली अब याद करिए कि अपॉन अपॉन डेल 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 यू यू लिख रहे हैं आप आप इसे तो तो इस पूरे को कैपिटल डी ऑपरेटर मान लीजिए इसका मीनिंग ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा कैपिटल डी जेड में जहां डी रिप्रेजेंट करेगा डेल अपॉन डेल यू को अब सिमिलरली आप कहीं मान लीजिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया जैसे कि हमने यहाँ लिया है या यहां लिया है सेकेंड ऑर्डर मान लीजिए इक्वेशन में कोई सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाता है तो क्या कॉम्बिनेशन होगा पूरा एक्स स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेलेक्स स्क्वायर तो इस कॉम्बिनेशन की वैल्यू डी डी माइनस वन इंटू जेड क्यूबी का जाए तो इसी सीरीज को बढ़ा दो डी डी माइनस वन डी माइनस टू जेड अब अगर हम y की बात करें ये तो विद रिस्पेक्ट टू x बताया सिमिलरली अगर हम y की बात करें तो पूरा कॉम्बिनेशन देखिए जहां x डेल जेड अपॉन डेल एक्स लिखा था वहाँ वाई डल जेड अपॉन डेल वाई है तो ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन किस से रिप्लेस हो जाएगा डी डैश जेड से अब डी डैश किसको रिप्रेजेंट करेगा तो इसके लिए डी को देख लो डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है डेल अपॉन डल यू को तो डी डैश किसको रिप्रेजेंट करेगा डेल अपॉन डेल वी को क्योंकि वाई वेरेबल किस में कन्वर्ट हो रहा है कम्पलीटली वी में तो डी डैश रिप्रेजेंट करेगा डेल अपॉन डेल वी और अगर क्वेश्चन में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाए और वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ा दो डी डैश डी डैश माइनस वन इंटू जेड और अगर हमारे पास डेरिवेटिव इस तरह से आ जाए डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई रखा होगा एक्स वाई से तो इसकी वैल्यू क्या रिप्लेस कर लेंगे डी डी डैश इंटू जेड तो जैसे ही ये रिप्लेसमेंट आप अपने क्वेश्चन में करेंगे आपका जो कंप्लीट क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन आपको गिवन होगा ये कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा पी डी ई विथ कॉन्स्टेंट कोफिशेंट में अब कॉन्स्टेंट कोफिशियंट पी डी अगर कन्वर्ट हो रही है तो ये पी डी ई आप इजीली सॉल्व करना जानते हैं कांस्टेंट कोफिशेंट कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे जाड इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई सी एफ हम देख लेंगे हमारे पास कौन सा केस बनता है होमोजीनियस बन रहा है नॉन होमोजीनियस बनता है और उसके बाद पी आई के हम केसेज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो दोनों केस अप्लाई करके आंसर निकालेंगे बट एक चीज का ध्यान रखेंगे ये जो हमारे पास पी डी ई बना विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट ये हमारे पास कुछ इस तरह का बन रहा होगा जिसमें डी और डी डैश रखा होगा तो इसका मतलब जो आंसर हमारे पास निकलेगा ये जो Z का आंसर होगा ये Z का आंसर निकलेगा आपके पास इन टर्म्स ऑफ क्योंकि यहाँ X और Y नहीं है यहाँ U और V है तो आंसर आएगा इन टर्म्स ऑफ U एंड V तो आपका कंप्लीट आंसर U और V के टर्म्स में आएगा और लास्ट में U और V को किससे रिप्लेस कर लेना U इक्वल्स टू लॉग एक्स वी इक्वल्स टू लॉग वाई तो इसका एक क्वेश्चन लेते हैं वहां से क्लियर हो जाएगा कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं तो इसका एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं हमारे पास ये हमने एग्जाम्पल लिया क्वेश्चन है सॉल्व एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर टू एक्स वाई डी डी डैश वाई स्क्वायर डी डैश स्क्वायर जार्ड इक्वल्स टू एक्स की पावर एम वाई की पावर एन ये भी लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है और ये अगेन क्वेश्चन टेन मार्क्स में है तो आप इन वाले टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि लास्ट टू ईयर्स से या थ्री ईयर्स से ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस या रिड्यूसेबल रिड्यूसेबल भी होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाती है तो अब एक्चुअली क्वेश्चन देखें ये क्या है ये क्वेश्चन है मेरे पास एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर मतलब क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स वाई डी डी डैश है इसका मीनिंग है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई वाई स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एक्स की पावर एम वाई की पावर एन सबसे पहले देखो क्या रिड्यूसेबल है या नहीं है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई है एक्स वाई से मल्टीप्लाई विद रिस्पेक्ट टू वाई टू टाइम्स है वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई इसका मीनिंग ये इक्वेशन रिड्यूसेबल है ये रिड्यूसेबल है अब ये जब इसको रिड्यूस करना है तो फर्स्ट स्टेप अभी डिस्कस किया था हम पुट क्या करेंगे हम x की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ u e टू दी पावर u तो यहाँ से u की वैल्यू आपको मिल जाएगी log x और y को हम पुट करेंगे इन टर्म्स ऑफ v तो ये मिल गया v इक्वल्स टू लॉग y एक सब्सिट्यूशन तो ये आ गया अब पूरे पूरे कॉम्बिनेशन लेना है कैसे लेना है x डेल जेड अपॉन डेल x इसका सब्सिट्यूशन कैपिटल डी जेड जहाँ लिख लीजिए कि ये d किसको रिप्रेजेंट करता है d रिप्रेजेंट करता है डारिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u और y डेल z अपॉन डेल y इसको आप लेंगे d डैश z जहां d डैश किसको रिप्रेजेंट करेगा विद रिस्पेक्ट टू v को रिप्रेजेंट करेगा अब हमारे पास सेकेंड ऑर्डर है सो एक्स स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू डी डी माइनस वन इन टू जेड सेकेंड हमारे पास है वाई स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर तो इसकी वैल्यू आ जाएगी डी डैश डी डैश माइनस वन इंटू जेड अभी एक टर्म और है हमारे पास इक्वेशन में ये है एक्स वाई तो एक्स वाई डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इसकी वैल्यू क्या एक डी आ गया एक डी डैश आ गया इंटू जेड सारा सब्सिट्यूशन अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चन में एक सब्सिट्यूशन ये चाहिए एक ही अप्लाई होगा एक ही होगा देखिए क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म क्या है एक्स स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और इसकी वैल्यू पुट करते हैं डी डी माइनस वन तो ये आ गया डी डी माइनस वन इंटू जेड सेकेंड टर्म देखिए दिस इज टू एक्स वाई डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई तो एक्स वाई डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू डी डी डैश तो ये क्वेश्चन में रखते हैं दिस इज ट्वाइस डी डी डैश इंटू जेड थर्ड टर्म देखिए क्या है वाई स्क्वायर डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर और इस पूरे कॉम्बिनेशन को डी डैश डी डैश माइनस वन से तो कॉम्बिनेशन को रिप्लेस किया डी डैश डी डैश माइनस वन इन टू जेड से राइट हैंड साइड भी चलिए राइट हैंड साइड देखिए लिखा है एक्स एक्स रेस टू पावर एम अब एक्स क्या है ए e की पावर यू तो कर देते है, e हैं ए की पावर यू होल पावर एम ये लिख दिया फिर क्या लिखा है वाई वाई क्या रिप्लेस किया है ई e की पावर वी तो ई e की पावर वी लिख लेते हैं और पावर एन ये हमने कम्प्लीटली रिप्लेस कर लिया अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बनता है तो मल्टीप्लाई करते हैं क्वेश्चन की और जेड कॉमन ले लेते हैं सो दिस इज डी स्क्वायर माइनस का डी टू डी डी डैश प्लस का डी डैश स्क्वायर माइनस का डी डैश इन जेड दिस इज इक्वल टू ई की पावर एम यू प्लस एन बी ये बना लिया अब इस टर्म इस टर्म और इस टर्म को ध्यान से देखें दिस इज होल स्क्वायर किसका ये होल स्क्वायर है d प्लस डी डैश का होल स्क्वायर दिस बचा ये और टर्म और दिस टर्म यहाँ से आपने माइनस कॉमन लेके इसे लिख सकते हो d प्लस डी डैश इन टू जेड इक्वल्स टू तो ई की पावर एम यू प्लस एन बी क्या कर ले कॉमन निकाल लेते हैं d प्लस डी डैश को ये कॉमन निकाल दिया तो ये बन गया d डी प्लस डी डैश और माइनस वन इंटू जैड इक्वल्स टू ई की पावर mu प्लस एन वी आईडेंटिफाई किस तरह का इक्वेशन है कॉन्स्टेंट टर्म प्रेजेंट है या तो इक्वेशन है नॉन होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस है तो नॉन होमोजीनियस के सी एफ एंड पी आई तो कंप्लीट आंसर Z इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई आएगा तो सबसे पहले हम सी एफ देखते हैं कि सी एफ हमारे पास क्या बनता है तो फर्स्ट फैक्टर डी प्लस डी डैश है तो हम लिखते हैं सी एफ कॉरेस्पॉन्डिंग टू डी प्लस डी डैश कॉन्स्टेंट अम नहीं है ई की पावर जीरो अब आदत पड़ी हुई है जीरो एक्स यहां एक्स नहीं है एक्स की जगह कौन सा वेरिएबल आ रहा है यू फर्स्ट फंक्शन लिया डी के प्लेस पर वाई वाई नहीं है वी माइनस साइन प्लस है तो माइनस डी डैश मीनिंग एक्स आना चाहिए अब एक्स नहीं है यहाँ है यू तो ये आ गया एफ वन बी माइनस यू सेकेंड सी एफ लिखते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टू डी प्लस डी डैश माइनस वन कॉन्स्टेंट आम माइनस वन तो ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ माइनस वन इन टू एक्स एक्स नहीं एक्स की जगह यू सेकेंड फंक्शन माइनस वन को हाइड कर लो डी प्लस डी डैश रह गया यह आ गया वी माइनस यू तो सी एफ हमारे पास जो बनता है फर्स्ट फंक्शन एफ वन वी माइनस यू प्लस ई की पावर यू एफ टू वी माइनस यू अब रख लो वी और यू की वैल्यू तो वी और यू देखे क्या था वी और यू की वैल्यू आपके पास क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग u इक्वल्स टू लॉग एक्स रखने जा रही हूँ और v के प्लेस पर लॉग y और जहाँ e की पावर u है आप उसे डायरेक्टली x से रिप्लेस कर सकते हैं तो आ जाते हैं क्वेश्चन पर

अब इसके पीआई पर बात करें तो पीआई होगा वन अपॉन वन अपॉन डी ऑपरेटर की इक्वेशन देखिए क्या है डी ऑपरेटर की इक्वेशन है डी प्लस डी डैश डी प्लस डी डैश माइनस वन तो सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं तो इक्वेशन आ गई डी प्लस डी डैश और डी प्लस डी डैश माइनस वन अब राइट हैंड साइड चेक करिए राइट हैंड साइड है ई की पावर एम यू प्लस एन वी तो ये वैल्यू पुट करते हैं दिस इज ई रेस टू दावर एम यू प्लस एन वी अब देखिए नॉन होमोजीनियस का कौन सा केस है ये नॉन होमोजीनियस का फर्स्ट केस है ई रेस टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई का केस फर्स्ट तो केस फर्स्ट में क्या करना था डी को किससे रिप्लेस करते हैं एक्स के कोफिशियंट ए से और डी डैश को किससे रिप्लेस करते हैं डी डैश को रिप्लेस करते हैं वाई का कोफिशियंट बी से अब यहाँ एक्स और वाई नहीं है यहाँ यू और वी है तो इसका मीनिंग d को किससे रिप्लेस करेंगे यू का कोफिशियंट m और डी डैश को रिप्लेस करेंगे n से कर लेते हैं रिप्लेस सो वन अपॉन एम प्लस एन एम प्लस एन माइनस वन ई रेस टू दावर एम यू प्लस एन बी दिस इज पी आई आंसर आ गया बस u और v की वैल्यू पुट करनी है तो क्या पुट कर लें u और v की वैल्यू तो आप इसे फाइनल आंसर कैसे लिख सकते हैं वन अपॉन एम प्लस एन एम प्लस एन माइनस वन ई की पावर एम यू और देखिए यहाँ करके दिखाती हूँ ई e की पावर एम यू ई ई की पावर एन इसको इस तरह से लिखें और इसे लिख सकते हैं ई e की पावर यू होल पावर एम और ई e की पावर वी होल पावर एन ई की पावर यू क्या लेट कर रखा है एम तो एक्स की पावर एम और ई e की पावर वी को लेट किया हुआ है वाई y की पावर n तो इस पूरे को आप लिख सकते हैं x की पावर m y की पावर n तो ये वैल्यू जो है ये वैल्यू आ जाती है आपकी पी आई की और कंप्लीट आंसर कैसे देना है कंप्लीट आंसर आपको देना है z सी एफ की वैल्यू क्या है सी एफ आपके पास ये आ रहा है दिस इज सी एफ और इस सी एफ में क्या ऐड करेंगे पी आई की वैल्यू ऐड कर देंगे दिस तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं तो जो आपके पास रिड्यूसिबल इक्वेशन है बस आपको कुछ स्टेप याद रखने हैं जो स्टेप आपके हर क्वेश्चन में कॉमन है बस क्वेश्चन देखना है हर एक क्वेश्चन में ये स्टेप आपके कॉमन स्टेप है बस इन स्टेप्स को फॉलो करते के साथ ही आपकी जो इक्वेशन है वो कांस्टेंट कोफिशेंट में अपने आप कन्वर्ट होगी जिसे सॉल्व करना आप ऑलरेडी सीख चुके हैं थैंक यू